हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल स्वाद में। दोस्तों, हमारा यूट्यूब फैमिली 1000 मेंबर का होते ही किसी एक मेंबर के साथ हम एंजॉय करने वाले हैं बिरयानी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली अब दूर नहीं। दोस्तों, हमारे इस वाले वीडियो में 3 बड़े ही प्यारे कमेंट्स आए थे, तो रजत, नागपुरी फिशर और फप्सी ब्लॉगर को शार्ट आउट देते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं झींगा की रेसिपी, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उड़ीसा में झींगा को चिंगरी और किंगुड़ी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं 100 ग्राम झींगा। इसके लिए आपको चाहिए 100 ग्राम झींगा, एक प्याज मीडियम साइज़ का, एक टमाटर बड़ा साइज़ का, 2 हरी मिर्चें, ऑयल, नमक, सरसों, हल्दी का पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, आधा नींबू, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप एक बड़ा वाला टमाटर लीजिए, उसको काट लीजिए और कुकर में उसको 2 सीटी लगा लीजिए। हाई फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा लेना है। कढ़ाई गरम होते ही 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेना है। आप ऑयल सरसों का भी ले सकते हैं और रिफाइंड का भी ले सकते हैं। और हाँ, आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि सरसों के ऑयल में ज़्यादा टेस्ट आता है। ऑयल गरम होते ही सरसों ले लेना है, 2 हरी मिर्च कटे हुए डाल लेना है, 5 से 10 सेकेंड के अंदर 1 प्याज फाइन चॉप किया हुआ डाल लेना है और भून लेना है। गैस के फ्लेम को मीडियम आंच पर ले आना है। प्याज हाफ फ्राई होते ही झींगा डाल लेना है। दोस्तों, आप चम्मच को चलाते रहिए। झींगा हाफ फ्राई होते ही हल्दी पाउडर और चिकन मसाला पाउडर डाल लीजिए, बॉइल्ड टमाटर डाल लीजिए और आधा कटा हुआ नींबू का रस मिला लीजिए। अब 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिला लीजिए। बीच बीच में चम्मच चलाते रहिए ताकि झींगा जले ना। अभी ढक्कन को लगा लीजिए और पानी सूखने का इंतज़ार कीजिए। पानी सूख जाने के बाद ढक्कन को खोलिए, आपकी झींगा रेडी हो चुकी है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए और खाकर एंजॉय कीजिए। दोस्तों, अब हमें दीजिए अलविदा। और हाँ, जाते जाते लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।